तो अब हम देखने वाले हैं आज का हमारा क्वेश्चन, जिसका नाम है प्रेफ प्रेफ। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सम प्रीफिक्स ऑफ एस विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग टी एज द सब सीक्वेंस। अब इस चीज़ का क्या मतलब है ये समझते हैं। जैसे अगर मान लो हमें ये वाला हमारे पास टेस्ट केस गिवन है, ठीक है, तो एक बार हम समझते हैं कि ये जो इनपुट है ये कैसे कैलकुलेट हो रही है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास जैसे ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, इसमें हमें क्या चीज़ गिवन है। ये वाली जो चीज़, सबसे पहले ये जो गिवन है, ये हमें क्या है, ये फाइंड करना है एज अ प्रीफिक्स। मतलब इसका जो है ना प्रीफिक्स फाइंड आउट करना है कि मतलब प्रीफिक्स की लेंथ क्या होगी बेसिकली, और वो भी इस स्ट्रिंग में, ठीक है, इन दिस स्ट्रिंग। तो अगर प्रीफिक्स की लेंथ हमें इसमें जितनी भी मिलती है वो हमें क्या करना है, आउटपुट करना है। जैसे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम ना जैसे इस लूप में ये वाला जो हमारे पास ये है, हम पहले ये देखते हैं कि हमारे पास जैसे इस इंडेक्स में हमें ये वाला कैरेक्टर फाइंड करना है डी। तो हमारे पास इस स्ट्रिंग में ये डी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ये डी, है ना। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर ये जो आई है ये कहाँ आ रहा है, इसी के साथ आ रहा है आई डी आई, है ना। अब ये नेक्स्ट कैरेक्टर जी है जो इस केस में, वो यहाँ पे आ रहा है जी, है ना। और इसके बाद हमारे पास क्या है, जी ई और आर। तो हमें क्या सबसे पहले फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट जी फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना जी के बाद आर आ रहा है, लेकिन हमें आर नहीं चाहिए क्योंकि हमें इसमें तो सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है ना। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें इस केस में प्रीफिक्स चाहिए। तो अगर हमें डी आई जी जी आर गिवन है, है ना, और अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग है बेसिकली ये वाली जो स्ट्रिंग है, इसमें जो हमारे पास जी है उसके बाद आर गिवन है, तो हम उसको नहीं ले सकते क्योंकि वो जो जी है हमारा ये वाला जी है, ठीक है। बेसिकली वो जिस इंडेक्स पे हम अभी हैं वो ये वाले जी का है। और जो जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर आना चाहिए ना, वो ये वाला जी आना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर, जबकि वो मतलब स्ट्रिंग में हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, आगे भी जो है वो आर है, ठीक है, और आर के बाद ए है और एम है। यानी कि हमारे पास पूरी स्ट्रिंग में जी के बाद ये जी हमें एनकाउंटर नहीं हुआ, ठीक है। हम इस आर को तब तक काउंट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास जो प्रीवियस हमारे कैरेक्टर्स है ना वो उसमें मिलना जाए हमें, ठीक है। क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है बेसिकली, हमारे पास यही मेन इसमें कंडीशन है कि हमारे को प्रीफिक्स फाइंड करना है। तो प्रीफिक्स के लिए हमारे पास सारे कैरेक्टर्स जो है ना वो सीक्वेंस में उसमें मिलने चाहिए। तो वही मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे पास जैसे मान लो डी आई जी मिल गया, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे को जी ही फाइंड करना है। अगर जी नहीं मिलेगा तो हम नेक्स्ट उसको नहीं करेंगे आगे, कि हमें ई आर तब तक हम फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमारे को ई जी नहीं मिलेगा इसमें। तो हमने देखा कि हमारे को ना बस ये तीन कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। तो अगर हमारे को तीन कैरेक्टर्स इसमें मिल रहे हैं एज अ सब सीक्वेंस, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी लेंथ कितनी है, थ्री है इस केस में, ठीक है। अब उसने यही बोला कि हमारे को जैसे ना सब सीक्वेंस फाइंड करनी है, तो सब सीक्वेंस में हम क्या कर सकते हैं, सब सीक्वेंस में ना जैसे हमारे पास ये देख लेते हैं, ये डायग्राम है जैसे। तो अब हमें अगर डी आई जी फाइंड करना है, तो मैं डी आई के बाद ना जी में जंप कर सकता हूँ, मैं ए को जो है वो स्किप कर सकता हूँ। तो यही होता है सब सीक्वेंस में, हम ना बेसिकली जो बीच के कैरेक्टर थे उन्हें स्किप कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे को कैरेक्टर फाइंड करने के लिए, लेकिन हम सब स्ट्रिंग में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बस एक डिफरेंस था मेन सब स्ट्रिंग और सब सीक्वेंस में, लेकिन हमें बस ऑर्डर का मेंटेन रखना होता है दोनों में। हम मतलब डी आई के बाद ना वापस डी में नहीं जा सकते, हमें डी आई के बाद इधर जाना होगा, ठीक है। तो बस ऑर्डर मेंटेन रहेगा और बेसिकली हम कैरेक्टर स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसको कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए ना सबसे पहले समझते हैं, अगर मान लो हमारे पास ये चीज गिवन है डी आई जी जी ई आर, ठीक है, और एक चीज हमें गिवन है जैसे मान लो ए बी सी मैंने ले लिया, और फिर उसमें वही चीज गिवन है जैसे डी आई ए जी आर ई, ठीक है। तो ये चीज गिवन है, तो अब अगर मान लो मेरे को ये चीज गिवन है, ये क्या है मेरा एस है ना, जिसका मेरे को प्रीफिक्स फाइंड करना है, इसका मेरे को क्या करना है प्रीफिक्स फाइंड, और इसका मेरे को क्या करना है बेसिकली इसका सब सीक्वेंस फाइंड करनी है, इसकी सब सीक्वेंस फाइंड करनी है। ये क्या है, ये मेरे पास टी है। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे इसकी लेंथ के अक्रॉस, ठीक है, ये इसकी लेंथ के अक्रॉस लूप लगाएंगे जिसकी वैल्यू हम मान लो आई से इनिशिएट कर देते हैं, और ये इसमें हम ना एक पॉइंटर को चेक करते हुए चलेंगे। जैसे हमारे पास ये जो पॉइंटर है अगर वो इस वाली जीरोथ इंडेक्स पे है, तो हम चेक करेंगे कि इस पूरी इटरेशन में हमारे को ये जो डी है ये कहाँ पे किस इंडेक्स पे एनकाउंटर हो रहा है। हमने देख लिया कि हम अब हमारी आई की वैल्यू यहाँ पे आ गई और हमें जो है डी मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम डी के बाद इसकी लूप तो वैसी की वैसी चलेगी, है ना। अब जो हमारा पॉइंटर है उस केस में क्या होगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, जैसे हमें ये वाला डी जो है वो एक एनकाउंटर कर जाएंगे हम, ठीक है, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर पे आ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि आई की वैल्यू मतलब आई जो है वो कहाँ एनकाउंटर हो रहा है, तो वो उसके नेक्स्ट पोजीशन पे ही एनकाउंटर हो रहा है, फिर से हम एक पॉइंटर इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि आई के बाद ए आ रहा है, तो वो जी के बराबर नहीं है, तो फिर हम नेक्स्ट इसमें इंक्रीमेंट करेंगे बेसिकली लूप में सब सीक्वेंस वाले में, ठीक है, जिसमें हम लूप चला रहे हैं आई की वैल्यू वाला। इसमें हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें ये जी जो है ना ये एनकाउंटर नहीं हो जाता।
तो हम देखते हैं कि अब हमारा यहाँ पे जो है ना ये जी एनकाउंटर हो गया, तो अब हम इस केस में एक पॉइंटर इंक्रीमेंट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे भी जी नहीं है, यहाँ पे भी जी नहीं है, तो इस केस में हमारी लेंथ कितनी होगी, जो हमारे पास पॉइंटर है अभी उसकी प्रीवियस मतलब प्रीवियस वैल्यू तक, ठीक है। या बेसिकली अगर हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हम पॉइंटर को जीरो से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, तो पहले इंडेक्स के लिए वो जीरो था, फिर वन था, फिर टू था, और अब वो थ्री पे आ गया, तो अब जो थ्री मतलब पॉइंटर की वैल्यू होगी ना, वही हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास लेंथ होगी हमारे प्रीफिक्स की, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास थ्री आंसर आ गया। तो इसमें बेसिकली बस इतना सही करना था, एक लूप लगाना था मेन स्ट्रिंग में, और हमें एक पॉइंटर मेंटेन करते हुए चलना था, जो कि चेक करेगा कि क्या हमारे पास जो कैरेक्टर है वो उसमें मिल चुका है हमें या नहीं मिल चुका। तो अब देखते हैं कि इस कोड को मतलब हम कैसे बेसिकली कोड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो कोड करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमें सबसे पहले तो दोनों स्ट्रिंग इनपुट लेनी पड़ेंगी। तो दोनों स्ट्रिंग कैसे इनपुट लेंगे, ये चीज हमने S1 को तो है, जो हमारे पास बेसिकली S की वैल्यू थी, हमने S1 इसमें स्ट्रिंग 1 में इनपुट ले ली, और जो स्ट्रिंग 2 था इसमें हमने कौन सी ली है, जो हमारे पास बिगर स्ट्रिंग है बेसिकली, जो हमारे पास T_1 है, ठीक है। और फिर हमने एक पॉइंटर इनिशियलाइज कर दिया, जैसे मैंने अभी अप्रोच में समझाया था। फिर हम क्या लगाएंगे, एक लूप लगाएंगे मेन स्ट्रिंग के ऊपर, बेसिकली जो हमारी जो बिगर स्ट्रिंग थी ना उसमें हमने एक लूप लगाएंगे, और हम पॉइंटर को चेक करेंगे क्या हमारे पास जो पॉइंटर है उसका साइज अगर हमारा जो है स्मॉलर स्ट्रिंग के बराबर हो जाता है। ये वाली कौन सी कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जब हमारे पास जो जितने भी कैरेक्टर्स है ना इस स्मॉलर स्ट्रिंग के, बेसिकली जो हमारे पास पूरा इसमें स्ट्रिंग की लेंथ है, ये पूरी की पूरी हमें जो है इसके अंदर मिल गई, मेन स्ट्रिंग के अंदर मिल गई, अगर हमारे पास ये पूरी की पूरी जो स्मॉलर वाली स्ट्रिंग है, तो उस केस में क्या होगा, हम ब्रेक कर जाएंगे कि अब हमारे पास नेक्स्ट कोई कैरेक्टर है ही नहीं हमें सर्च करने के लिए बिगर स्ट्रिंग में, है ना। तो हम उस केस में ब्रेक कर जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है कि हमें ना लेंथ पूरी की पूरी एनकाउंटर नहीं होती है, हमें बीच में मतलब कोई कैरेक्टर है उसको सर्च कर रहे होते हैं, तो उसके केस में हम क्या करेंगे, हमने जो ये स्ट्रिंग 2 है बेसिकली, जो हमारी बिगर स्ट्रिंग है, उसमें आई की पोजिशन पे सर्च करेंगे कि क्या वो जो स्मॉलर स्ट्रिंग है उसके पॉइंटर के इंडेक्स के बराबर है। पॉइंटर क्या है बेसिकली, ये वही वाला इंडेक्स है जो मैं समझा रहा था, कि वो हम तभी इंक्रीमेंट करेंगे जब हमें ये वाले पॉइंटर वाले इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा वो एनकाउंटर हो जाएगा, तभी हम इंक्रीमेंट करेंगे ये वाले पॉइंटर को, ठीक है। वरना हम क्या करेंगे, पॉइंटर को उसी को सर्च करते रहेंगे नेक्स्ट आई की इटरेशन के लिए, जब तक हमें वो नहीं मिलता तब तक हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट नहीं कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास ये वाला लूप हो गया, ये वाला फॉर लूप जो है ना ये तब तक चलेगा जब तक हमारे पास ये इफ की कंडीशन फॉलो नहीं हो जाती, यानी कि हमारे पास पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है ना स्मॉलर वाली वो उसके अंदर एनकाउंटर नहीं हो जाए, या फिर जो हमारे पास मेन स्ट्रिंग है वही खत्म ना हो जाए, ठीक है। जैसे इस केस में हुआ है, मेन मेन स्ट्रिंग जो है वो खत्म हो गई, लेकिन हमारे पास ये वाली जो स्ट्रिंग है ना इसमें GER हमें एनकाउंटर नहीं हुए, तो इस केस में हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी होगी, जो पॉइंटर है ना वही बेसिकली हमारी लेंथ होगी। तो मैंने इसी केस में पॉइंटर को सी आउट कर दिया। तो बस यही करना था हमारे पास इस क्वेश्चन में, यही छोटा सा कोड था इस क्वेश्चन के लिए।